यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बाबू कितने शौक से खा रहा है कचौरियाँ। और चलिए हम बना लेते हैं कचौड़ी। तो मेथी की कचौड़ी बनाने जा रहे हैं हम। यहाँ पे मेथी को मैंने अच्छे से धुल के वॉश कर लिया और छोटा छोटा काट लिया है और आटे में मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे हींग और नमक ऐड कर रही हूँ, पिसी मिर्च, धनिया पाउडर और यहाँ पे थोड़ा सा मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। और ये मैंने एक हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बहुत बारीक बारीक काटा है ताकि बाबू के मुंह में ना आए। और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं, इसका एक डो बना लेंगे टाइट सा। यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको गूंद लेती हूँ। तो देखिए हमारा डो बन के रेडी हो गया है और अब हम इसकी कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। ये कचौड़ियाँ अचार से खाओ और चाय के साथ खा लो, सब्जी से खा लो, किसी के साथ भी अच्छी लगती हैं। मैं तो यहाँ पे इस वक्त चाय के साथ खाने वाली हूँ और मेथी की हैं तो वो बहुत टेस्टी बनती हैं। तो ये देखिए इसको फ्राई कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया बढ़िया करारी करारी हमारी कचौड़ी बन रही है। ये कचौड़ी चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे तो। मैं तो हमेशा चाय और अचार साथ में तीनों चीज़ें खाती हूँ, सब्जी से नहीं खाती हूँ ऐसी कचौड़ी में, ज़्यादातर चाय से खाती हूँ, आलू की हैं, गोभी की हैं इसकी। तो ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ बन के रेडी हो गई। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो बाहर से कपड़े कुछ लेके आए थे जो धुल के डाले थे, तो बस उनको तय बना के रख देते हैं। और अभी फिर खाना पीना मेरा बन चुका है, लेकिन मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का हलवा क्योंकि मेरी ननंद और ननदोई आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो कुछ मीठा बना लेती हूँ। वैसे बहुत दिनों से लौकी पड़ी हुई थी फ्रिज में और लौकी में मतलब पक रही थी लौकी, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने लौकी का हलवा बनाने जा रही हूँ। तो बस ये कपड़े अभी तय कर दूँगी और उसके बाद मैं बनाती हूँ लौकी का हलवा। और हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। खाना मेरा बन गया है और अभी कपड़े पड़े थे ये कुछ, ये देखिए तो मैंने वो अभी तय बना के रखे हैं और इनको रख दे रही हूँ। और देखो रात में इसमें मेहंदी लगाऊंगी, एक में लगाई थी इसमें शिवानी ने लगाई थी और इसमें लगाऊंगी मैं रात में, देखते हैं कैसे लगती है। चलिए यहाँ पर मैं हलवा बनाने जा रही हूँ, लौकी का हलवा है और ये मैंने साइडों की उतार ली है। और ये देखिए ये बीज की मैंने निकाल दी है क्योंकि बीज में बीजे थे, तो अगर कच्ची लौकी हो तो पूरी घिस लो, अगर कच्ची नहीं पकी है तो बीज का हिस्सा निकाल दो। तो मैंने ये अच्छे से साफ करके धुल के और इसको मैंने घिस लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया दूध, कुछ ड्राई फ्रूट और यहाँ पे ले लिया घी। यहाँ रख दी कढ़ाई, यहाँ पर रख दिया कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देते हैं घी। तो घी थोड़ा सा डाल दिया है, मेल्ट हो गया है। और यहाँ पे भी डाल देते हैं लौकी जो हमने कद्दूकस करके रखी थी, वो घी में भून लेंगे। और ये देखिए ये मैंने घी में डाल दिया है, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद जब ये इसका पानी जो जल जाएगा, ये देखिए मैं चीनी बता दिखाना भूल गई थी, तो चीनी भी लिया है मैंने। यहाँ पे डाल रही हूँ एक गिलास फुल क्रीम दूध।
तो ये देखिए लौकी का हलवा बन रहा है, तब तक हम दिखाते हैं मैम बाबू क्या कर रहा है। ये देखिए बाबू हमारा क्या कर रहा है, खेल रहा है खिलौनों से। और तब तक हम बाबू को देखने गए तो उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने देखा है कि इसका जो दूध है वो जल चुका है। और यहाँ पे हम चीनी ऐड कर देते हैं थोड़ी सी चीनी, अपने स्वाद के अनुसार कितना कम मीठा ज़्यादा खाना होती है इस हिसाब से यहाँ पे चीनी ऐड कर सकते हैं। और अभी देख सकते हैं मेरा हलवा लौकी का बन गया है। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे लौकी का हलवा बन के रेडी हो गया। कैसा लग रहा है आपको? मेहंदी लग गई है मेरे, देख सकते हैं कैसी लगी। उल्टी सीधी लगाई है मैंने खुद ही, आती नहीं है मुझे, मैंने ऐसी लगा ली है जैसे। और अभी टाइम देखो क्या है, टाइम हो रहा है 11 बज गया है। और देखो ये सो रही है पुन्नी, ये देखिए। और मैं भी अभी बिस्तर में ही बैठ के लगा रही थी, ठंड लग रही, देखिए बिल्कुल ठंडे ठंडे हाथ हो रहे हैं बिल्कुल। हंसी आ रही होगी मेरी मेहंदी देखकर। चलिए तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ कैसी लगाई है मैंने। अब ये रचने के बाद दिखाऊंगी करवा चौथ वाले ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।